ये सतना सतना गौरव पे आप आए, कैसा क्या रहा आपका, क्या पूरा जिस हिसाब से आपने सतना के लोगों से बात की कैसा लगा आपको? सतना के लोग मुझे इतने अपने लगे, मुझे लगा ही नहीं कि मैं इनसे पहले नहीं मिला। ये जितने भी लोग आज यहाँ मौजूद थे मेरी भाषा बोलते हैं, मेरी तरह सोचते हैं, मेरी तरह राष्ट्रभक्त हैं, मेरी तरह मातृभक्त हैं। तो मैं समझता हूँ कि सतना आके मैं जितने भी लोगों से मिला, आज जितनों से बातें की, जितनों से इंटरेक्ट किया, ये बड़ा सौभाग्य रहा मेरा। और सतना एक ऐसा नगर है जिसकी रगों में राष्ट्रभक्ति दौड़ती है। आप देखें, अगर मैं आपसे कहूँ कि दुनिया में ऐसे कितने शहर होंगे, ईश्वर की आरती तो हर जगह उतारी जाती है, उतारी भी जानी चाहिए, वहीं हमारा जीवन सफल होता है, लेकिन सतना में भारत माता की आरती उतारी जाती है। आज ये कार्यक्रम हुआ थोड़े दिनों पहले, तो जहां भारत माता की आरती उतारी जाए उस नगर में कितना राष्ट्र धर्म है ये आप अंदाजा लगा सकते हैं। आपके हिंदुत्व राष्ट्रवाद से कुछ लोगों को नाराजगी क्यों हो जाती है? देखिए, जिन लोगों को नाराजगी है उन्हें नाराजगी मुझसे नहीं है, उन्हें नाराजगी भारतवर्ष से ही। तो जो भारत के दुश्मन हैं, जो भारत के शत्रु हैं, वो मुझसे नाराज रहे, मैं कोशिश करता रहूंगा कि उनको और नाराज करूं। कांग्रेस के लोग आज बहुत ज्यादा नाराज थे, सतना में प्रदर्शन कर दिया, उनने कह दिया कि हमारे सोनिया गांधी जी के लिए उनने ऐसे शब्द कहे, राहुल गांधी जी के लिए कहे, तो आज उनने प्रदर्शन किया, क्या कहना चाहेंगे? उनका प्रदर्शन उनकी मर्जी है, मेरी जो वीडियो बाइट है आप वो निकाल के देख लें, मैंने कभी किसी का नाम नहीं लिया। अब किसी ने वो बात अपने ऊपर ले ली तो ये उनकी इच्छा, मैंने कभी किसी का नाम नहीं लिया। अच्छा, एक सवाल और करूंगा, इससे आपने बागेश्वर धाम महाराज को सुना होगा, वो भी सनातन धर्म की बात करते हैं और उन पे भी कई आक्षेप लगाए जा रहे हैं, इस पर आपका क्या कहना है, क्योंकि वही नजदीक के हैं, मामला भी यहाँ से जुड़ा हुआ है। और देखिए, मैं उसके बारे में एक बात कहता हूँ कि जो चमत्कार है ना, चमत्कार शब्द सब्जेक्टिव है, हर किसी का अपना अपना नजरिया है चमत्कार के लिए, लेकिन जितने लोग मुखर होकर बागेश्वर धाम के विरोध में खड़े हैं, मैं ये जरूर जानना चाहता हूँ कि क्या वो धर्मांतरण के विरुद्ध भी इतने ही मुखर होकर आए थे? धर्मांतरण की इजाजत भारत का संविधान नहीं देता, धर्म परिवर्तन की इजाजत नहीं देता, जबरदस्ती है किसी भी प्रलोभन में धर्म परिवर्तन नहीं कराया जा सकता। और मैं एक बात तो समझता हूँ कम से कम कि बागेश्वर धाम ने धर्मांतरण को रोकने में बहुत बड़ा काम किया है, शायद ये भी तकलीफ की वजह है बहुतों के लिए। भविष्य में राजनीति में जाने का इरादा? ये तो भविष्य की बात है, फिर देखेंगे।